हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर चंद्रेश और आज हम जानेंगे स्टराइल ग्लव्स पहनने की स्टराइल टेक्निक। चलिए जान लेते हैं। सो गाइस, ये मेरे पास कालटेक्स कंपनी का सर्जिकल डिस्पोजेबल सर्जिकल रबर ग्लव्स है। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया होता है। तो सबसे पहले हमें हमेशा देखना है कि साइज कौन सी है। यूजुअली आइडियल साइज 7 होती है, एडल्ट हैंड्स को 7 साइज फिक्स हो जाती है। बाकी सबके हैंड्स की साइज के हिसाब से ये 7, 6.56, 7.58 अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। बाकी इसमें दूसरा इसमें दिया है कि ये पैर में है, एनाटोमिकली शेप्ड है, नेचुरल रबर से बने हुए हैं और पाउडर्ड है। यूजुअली गाइस, ग्लव्स पाउडर और पाउडर फ्री दो टाइप के आते हैं। पाउडर फ्री उन लोगों के लिए होते हैं जिनको पाउडर से एलर्जी होती है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे टी डाउन ओपन का ऑप्शन दिया है उन्होंने, यहाँ से इसको टेयर डाउन करेंगे। ये टेयर डाउन कर लिया। अब टेयर डाउन करने के बाद जो अंदर का मटेरियल है उसको हमें टच नहीं करना है, उसको हम जो भी स्टराइल ट्रे रहेगी उसमें ऐसे थ्रो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हैंड वॉश कराएंगे और उसके बाद हम इसको टच कर सकते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट हैंड का ग्लव्स यहाँ पे, लेफ्ट हैंड का ग्लव्स यहाँ पे। अब दोस्तों, इसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो हमें ग्लव्स कुछ इस तरह से फिक्स किए हुए मिलेंगे। ग्लव्स को इन्होंने ऐसे फोल्ड किया हुआ है, तो जो ये फोल्ड करने का तरीका है इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है दोस्तों कि जो इनर सरफेस होती है, ये आउटर सरफेस है, ये जो फिंगर्स का सरफेस जो दिख रहा है दैट इज़ आउटर सरफेस, और ये जो फोल्ड करके यहाँ पे दिख रहा है आपको दैट इज़ इनर सरफेस। तो अंदर की जो सरफेस है उसको हम अगर स्टराइल नहीं रखना चाहे तो वो चलेगा, लेकिन जो बाहर की सरफेस है वो हमेशा स्टराइल होनी चाहिए, इसलिए उसको हमें टच नहीं करना है। अब जैसे आपको पता है कि ये राइट साइड का है, तो राइट साइड को हम कैसे पहनेंगे। सबसे पहले तो ये मेरा हाथ है, इसको मैं इस तरीके से डालूँगा अंदर। ध्यान रखिए दोस्तों, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी अंदर की सरफेस टच करनी अलाउड है। तो जब मैं ये डाल रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ से पकड़ सकता हूँ, लेकिन ये यहाँ पे ग्लव्स ख़त्म हो रहे हैं और ये उसके आउटर सरफेस है, मुझे वहाँ पे उसको टच नहीं करना है। ये मैंने यहाँ से पकड़ा और ये मैंने पहन लिया। जब आप पहली बार इसको पहनेंगे तो ये राइट हैंड में ठीक से फिक्स नहीं होगा, आपको ऐसे पकड़ के इसको छोड़ देना है। अब ये जो फोल्ड है इसको आप टच कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर का जो ग्लव्स है उसको आप टच नहीं कर सकते बिकॉज वो स्टराइल है। तो अब आप क्या करोगे, इस ग्लव्स को कैसे पहनोगे। तो इस ग्लव्स को पहनने के लिए आपको अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर इन दोनों को इसकी इनर सरफेस में डालना है। अब ये ग्लव्स आपका स्टराइल है इसलिए इसको आप आउटर सरफेस पे टच कर सकते हो। फिर इसको ऐसे पकड़ना है और इसमें अपने को अपना लेफ्ट हैंड इंसर्ट करना है। और अब क्या करोगे, जैसे लेफ्ट हैंड इंसर्ट हो जाए तो ये जो ग्लव्स है उसकी आउटर सरफेस को ही आपको पकड़ना है। अब उसकी इनर सरफेस को आपको नहीं छूना, इस तरीके से। ये होगी आपकी आउटर सरफेस और ये ग्लव्स पहन लिए। अब जो दोनों ग्लव्स का आउटर सरफेस है वो अभी भी स्टराइल है। अब ये जो लेफ्ट हैंड है इससे मुझे ये जो राइट हैंड का ग्लव्स है उसको कवर कर लेना है, और ये हो गया स्टराइल टेक्निक ऑफ वेयरिंग द सर्जिकल ग्लव्स। Thank you.